इन हसीन वादियों में व्यू को एटीवी को एंजॉय करते हुए मोहब्बत गई बाढ़ में बाबे चले पहाड़ में। हर शहर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं हूं आगर हाशमी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सुबह बैलून्स के बाद हम सो गए थे और अभी बज रहे हैं दोपहर के कुछ 3:30 बजे। तो अभी हम उठे हैं, अब हम नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे। और अब्दुल खालिक ने लंच तैयार किया हुआ है, तो लंच करने के बाद हम चलेंगे एटीवी की राइड पे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हमारा प्लान है टर्किश नाइट का, ठीक है। तो ये रूम तो वैसे बड़ा ही वो हुआ पड़ा यार, ख़राब हुआ पड़ा, क्या दिखाना मैंने, ठीक है, पहले दिखा चुका हूँ। खैर ओके, तो मिलते हैं अब लंच के बाद। तो जी हम अब खाना खाने आ गए हैं, ये तो ज़ैफ़ा पहले से शुरू हो गया भाई, सबर नहीं होता, ठीक है। और अब्दुल खालिक ने यहाँ कुछ बनाया हुआ है हमारे लिए, पुलाव। ओ अफ़ानी पुलाव, जबरदस्त भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ये है व्यू, ओहो कैपाडोकिया, ये हमारा होटल है नीचे और ये इसकी हम छत पे खड़े हैं, जबरदस्त, वाओ। और यहाँ पे ये हुसैन की और ये फोटोग्राफी, व्यू तो कमाल का यार, मैं भी तस्वीर लेता हूँ यहाँ पे। और नीचे एक गैलरी है, कारपेट गैलरी बेसिकली, ये वाली। हुसैन पहले पहुंच चुका होता है हर जगह। ओ हो, ये तो अर्तुगरुल की याद दिला दिया भाई, बड़ी अर्थरुल पाकिस्तानी अर्थगुल कहते हैं। तो ये मटका है जहाँ से हलीमा सुल्तान पानी पिया करती थी, ये वाला। और ये अब्दुल खालिक है जो लाइटें ऑन करी जा रहे हैं, ये होती है खिदमत। आहा, अब वीडियो आ रही है, ये कमाल है, बहुत कमाल का बंदा यार। कैपिटोकिया जो भी है यार उससे रब्ता करे, सही की है। तो ये हम गैलरी में मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की, पहले मैंने आपको दिखा दी है। तो अब लेकिन ये जो था रूफ, ये देखें ऊपर, ये ओपन नहीं थी, अब ये ओपन हो चुकी है। तो लाइटिंग जो है अब ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये कमाल है। तो यहाँ पे तो भाई फोटो ज़रूर बनती हैं, तो अब हम चलते हैं अपनी फोटोज लेने। यार ये जो व्यू है ना, कमाल के चस्ते है। पहले जो हमने जो फ्लोर जो है वहाँ पे ऑन किया होता है, हम बंद करें तो लाइटिंग जो एग्जैक्टली यहाँ पे अब आएगी ना, वो जबरदस्त किस्म की आएगी। ओ हो, कमाल है। क्या करना, नहीं तेरे कुछ भी नहीं करना यार, ये बंदे जो है ना तस्वीरों से यार मुझे ये समझ नहीं आती। ये देखो, ये एक भाई हमारे नुमान भाई कश्मीर के हैं, इंडिया कश्मीर से हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, और इनको किस काम पे लगा दिया इस बंदे ने यार, बस कर दे यार, बस कर दे। कितनी वीडियो, क्या तूने शादी का एल्बम बनवा रहा है ये बता, तो यही है ना शादी का एल्बम। अब देखो, अब वो कह रहे एक दोबारा और करो यार, एक घंटे से हम इस बंदे का वेट कर रहे हैं, हमारी गाड़ी वेट कर रही है कि हम एटीवी पे चलें, लेकिन ये बंदा है यार, हम जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारी हैं एटीवी, इसमें हम बैठ के आगे जाएंगे। हेलमेट पहनना है, हेलमेट से पहले हमने ये टोपी पहन ली है ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना जाए बालों में, शेप बना दिए इन्होंने। ये हुसैन भी खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने भी पहन ली है। तो हमने बेसिकली दो एटीवी ले ली हैं ताकि व्लॉग बनाना इजी हो, क्योंकि हमारे पास गोप्रो नहीं है, इसलिए हम एक बाइक पे दो बंदे बैठेंगे ताकि हम और जो है वीडियो शूट कर सकें। तो जी हमने हेलमेट पहन लिया है और ये एक मिनट पानी की बॉटल, ओके। तो अब हम जंग पे जा रहे हैं, ठीक है, निकाल लो अपनी अपनी, और अब हम करेंगे राइड शुरू। तो जी हम एटीवी बैठ चुके हैं और ये है हुसैन खान, ठीक है, इसका अपने ब्लॉग में होगा और मैं भी यूज़ कर लूँगा वीडियो, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, ठीक है।
तो हम अभी वीडियो बनाएंगे तो आपको एंजॉय कराते हैं। कभी ये आगे होगा, कभी मैं आगे होगा। आज हमारी ये स्टार्ट हो चुकी है राइड, और ये पीछे आप देख सकते हो ये सारे यहाँ से अब हम रोड में ब्लॉक कर दिए। तो ये देखो अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा अपने मंजिल की तरफ। और हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल जो है वो सामने जो ऊंचे पहाड़ हैं, हमने वहाँ पे सनसेट देखना है और वो सारे का सारा हम जाएंगे ATV पे। तो बहुत ही कमाल का व्यू होने लगा है और बहुत ही मज़े की राइड होने लगी है। हॉर्स राइडिंग भी है, देखते हैं कि अगर हमें टाइम मिला, लेकिन आज हम हॉर्स राइडिंग नहीं करेंगे क्योंकि आज हम ATV कर रहे हैं। तो हुसैन भाई, हुसैन बताओ। यस ब्रो, वैसे कैपाडोकिया जो है ना वो जाना जाता है घोड़ों का शहर। कैपाडोकिया का जो मकसद है ना, जो नाम है उसका मकसद यही है कि घोड़ों का शहर, और ये घोड़े आपके सामने। वैसे भी मुझे आई लव हॉर्सेस। तो ये हमारी जो मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने कह दिया कि आप बड़े स्लो जा रहे हो तो थोड़ी सी आप लगाओ स्पीड। इन हसीन वादियों में व्यू को, ATV को एंजॉय करते हुए मोहब्बत गई बाढ़ में, बाबे चाहे पहाड़ में। खड़ा 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 आ गया था, लेकिन हसैन को बाद में पता चला। मैं उसको बता रहा हूँ ना, मेरे लिए तो इश्यू नहीं था। तो ये हमारे वो गाइडर हैं जो हमें सारा गाइड कर रहे हैं सब चीज़ों के बारे में। पट्टी है तो मास्क तो जरूरी थे, लेकिन पट्टी से पैदा हुए हैं, पट्टी से ही जाना है, क्या मास्क पहनना है। वाह वाह वाह, ओए ओए ओए, शायर बन गया मैं। क्या पता क्या मैं आके आपका शायर बन गया यार। जो ये है ना, अगर आप कैपाडोकिया आते हैं तो ATV लाजमी करें। कमाल है, एक कमाल का एडवेंचर है, जिंदगी भर की एक मेमोरी है। पहले भी मैंने किया था, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। और मैं बता नहीं सकता अल्फाज में। यहाँ पे हमारा जो है सारे के सारे राइडर हैं वो इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद हम चलेंगे अपना सनसेट की तरफ। तो यहाँ पे सब जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं और वो सारे के सारे यहाँ पे हम इकट्ठे होंगे, और फिर एक झुंड में बेड़ियों की तरह चलेंगे आगे की तरफ। भाई यहाँ पे एक बिल्कुल सीधी सड़क, जबरदस्त किस्म की हम वीडियो बना रहे हैं। पीछे हमारे उदयपुर लोग हैं, आगे हमारे और लोग हैं, और यहाँ पे हम खुद हैं। का तू रहनुमा ए खुदा हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्जा ओ गुल खिले सीना संग से, हर शहर फूटती है नए रंग से, सब्जा ओ गुल खिले सीना संग से। यहाँ पे कैमल राइड भी होती है, ये कैमल पीछे खड़ा के गाड़ी में लाता है। ये देखो ये घोड़े हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नस्लों के। यहाँ पे देखना क्रॉस, ओ हो हो हो, छोटी सी जगह पे क्रॉस, ओए 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 ओए, बहुत छोटी सी जगह पे क्रॉस हमने लिया, बहुत खतरनाक क्रॉस। सैन भाई आपकी बात ही क्या, अब ये देखो सारी लाइन, ये देखो, ये होता है, ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का खूबसूरत सूबा। मुझे वापस घूम रहे।